हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में इंटरमीडिएट के जो है सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, जिसको सिविक्स भी बोलते हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। जो भी इंटरमीडिएट के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, सेकेंड ईयर सीईसी में हैं, उनके लिए पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए। आप ये ज़रूर लर्न कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपको जो है अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। पहले जो है 10 मार्क्स का नोट डाउन कर लीजिए। एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न कर लेना है। पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स एज इंश्रिंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द ऑर्डिनरी एंड इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट फोर्थ वन, डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना एज द न्यू स्टेट इन इंडियन यूनियन। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ JAC जॉइंट एक्शन कमिटीज इन तेलंगाना मूवमेंट। ये आपको 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेना है। एक्सप्लेन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिए। एक्सप्लेन एनी 4 कॉजेस फॉर द ऑर्गन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन नेशनल मूवमेंट। नेक्स्ट वन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द होम रूल मूवमेंट इन इंडियंस फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द वेरियस प्रोग्राम्स अडॉप्टेड ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट वन, पॉइंट आउट द मेन प्रोविजन्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। नेक्स्ट वन, गांधियन आइडिया इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपको जो है 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट 5 मार्क्स के और है, नोट डाउन कर लीजिए। राइट अबाउट जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट वन, राइट अबाउट इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड हिज फंक्शंस। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ लोकसभा। एक्सप्लेन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। Write a note on state legislative assembly. Explain the powers and functions of chief minister. Point out the administrative relations between union and state. Describe the legislative relations between union and state. Write a note on state legislative assembly. Write a brief note on Telangana Panchayat Raj Act of 2018. Next one, write a note on Telangana agitation in 1969. Next one, explain the powers and functions of Lokpal. What is smart governance? What is Panchashil? Next one, describe the powers and functions of General Assembly. Next one, describe the powers and functions of Secretary General. ठीक है, तो ये कुछ जो है 4 मार्क्स के आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है, इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के। उसके बाद आपको 2 मार्क्स के देख लीजिए, 2 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी कंट्रीज took membership in the UN General Assembly, 2 marks ke, political science ke. List of the main organs of UN. What is Panchashil? What is accountability? Who are the members of BRICS? What is Lok Yukta? Hyderabad State. What is Mulki Lures? What is Visalandra? What is Million March? What is political JAC? What is student JAC? इसके बाद व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएन बोल दिया हूँ। व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। नेक्स्ट वन, व्हाट इज सरपंच। व्हाट इज ग्राम सभा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MPTC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MPP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ZPTC। व्हाट इज